लेटेस्ट खबरों के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें गजब समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब समाचार। उत्तर प्रदेश के रामनगर के खटीक परिवार में जन्मे उदित राज आज दिल्ली में डॉक्टर उदित राज के नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही साथ वो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। आपको बता दें कि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले बीजेपी सांसद डॉक्टर उदित राज पर नई दिल्ली के अंबेडकर अध्ययन केंद्र में 26 जुलाई 2018 को द क्रूसडर डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई, जिसके निर्माता एवं निर्देशक अजय चिंतिश हैं। यह डॉक्यूमेंट्री बीजेपी के सांसद उदित राज के जीवन संघर्ष के ऊपर फिल्माई गई है, जो समाज की जाति विरोधी और समाज में दलितों की उपेक्षा के शिकार लोगों पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर संदीप मारवानी एवं उदित राज जी ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्यूमेंट्री उनके ऊपर बनाई गई तो मुझे सबसे पहले ये यकीन हो गया कि ये अपने आप में एक बड़ी इंस्पिरेशनल फिल्म है, क्योंकि फिल्म टेलीविज़न और मीडिया के क्षेत्र से मैं जुड़ा हुआ हूं और मैं अक्सर इस ताक में लगा रहता हूं कि कोई ऐसी फिल्मों का आयोजन करने का मुझे मिल जाए जिन फिल्मों से हमारा देश प्रोत्साहित हो, खासतौर पर हमारा यूथ प्रोत्साहित हो। और जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे ये यकीन आ गया कि जो फिल्म डॉक्टर उदित राज के ऊपर तैयार हुई है, इसको दिखाकर एक नई लहर पैदा की जा सकती है, एक नया जोश पैदा किया जा सकता है। डॉक्टर उदित राज जी जो कि IRS के अफसर रहे हैं और उन्होंने अपने एक बड़े पद से इस्तीफा देकर और भारत की सेवा में इलेक्शन लड़के मेंबर पार्लियामेंट की जो ये नियुक्ति जो अधिकार उन्होंने लिया है, और जब से ये मेंबर पार्लियामेंट बने हैं और आप लोक सेवा में बड़े ज़ोरों के लगे हुए हैं और उससे पहले भी ये आम जनता के साथ जो है सेवा में लगे रहते थे, तो मुझे लगता है कि आज इस फिल्म का उद्घाटन है। ये आयोजन में दिल्ली से और आसपास के सभी क्षेत्रों से बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। मुझे उम्मीद है लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी और लोगों को ये एक नया सबक देगी, नई सोच देगी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। ये मुझे लगता है कि ये बात अगर आप उदित राज जी से खुद पूछें तो मुझे लगता है उसका जवाब आपको अच्छा मिल जाएगा। देश की राजधानी में आपका डंका बज रहा है, इतने लोग खड़े हैं आपकी तारीफ के लिए, इतने लोग खड़े हैं आपकी इस फिल्म को देखने के लिए। ये अकारण फिल्म बन गई। मेरे बचपन के बारे में जब डायरेक्टर को पता लगा और जो प्रोड्यूसर हैं डायरेक्टर हैं मुझे अजय चटनीस, तो खुद उन्होंने संपर्क किया कि एक बायोपिक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं। तो बचपन में जिस तरह से गाँव में ज़िंदगी गुजारा, फिर गरीबी देखा, संघर्ष हुआ, और फिर गांव में एजुकेशन हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा दिन इलाहाबाद, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, फिर सिविल सर्विसेज में आए, फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर सांसद हुआ। ये यात्रा को उन्होंने कैप्चर किया है और यात्रा लगभग 30 साल से, इस यात्रा में मेरी पत्नी हैं, सीमा राज हैं, और जो कि हम दोनों मिल करके ये सोशल सर्विस करते रहते हैं। मेनली हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पूरे देश का गरीब है, दलित है, जो पढ़ा लिखा, जो पूरे देश का गरीब है, दलित है, उसको उसका रिप्रेजेंटेशन अक्रॉस द कंट्री में 20 साल से करता आ रहा हूँ। तो बेसिकली हम सोशल फील्ड में रहे हैं और मेरी पत्नी हैं, सीमा राज हैं, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं, तो हम लोगों हैंड इन हैंड इन कठिनाइयों को सहा है। बड़ी कठिनाइयाँ भी आई हैं, ऐसा नहीं कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन में इतना आसानी होती है। तो हमारा जो सोशल कंट्रीब्यूशन है और सोशल फील्ड में जो हमने मुश्किलें झेली हैं, बचपना में कभी खाने को भी नहीं मिलता था, तो उन पक्ष को डायरेक्टर ने दिखाया है।